कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ जी। और मियां साहब असेंबली में फ्रॉड में कह रहे जनाब अली ये है वो सबूत जिसे हमने वो सबूत कहेंगे। और एक सिंध में जो बैठा हुआ है वो कह रहा था 300 यूनिट बहुत दूंगा। और एक ये मुझे ये बताए कह रही 300 यूनिट बहुत दूंगी, कहाँ है वो 300? वो हदीस नबी अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेन नसीर और नुसरत भट्टो के दौर में जहाजों को ऊपर उन्होंने छुटाई थी। सुनिए याद है आपको ये हदीस आज कहाँ है चाचू? लेकिन इस पे तो अप्रिशिएट करें। इसका छोड़ो ये कुछ भी नहीं है, ये ड्रामा है कि वो 300 यूनिट के जो सिंध के अंदर बैठा हुआ एक कहता है कि 300 यूनिट मुहा दूंगा। और ये औरत आपका बिजली का बिल कितना आता है चाचू? मेरा बिजली का बिल आता ही नहीं, इसलिए 300 यूनिट मुहत है। मुझे ना बिल आता ही नहीं, आपको आता ही नहीं। ये मरियम नवाज ने कहा था कि 300 यूनिट मुहत, मेरे 300 यूनिट चले हैं कोई बिल नहीं। फ्री मरियम नवाज का ये मेरे भाई आप बहुत जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनसे हमारी जान छुड़ा, इनसे हमारी जान छुड़ा। और इन सबको सरदारी हो या गंजा हो हमारी जान छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें। 70 साल से ये मुल्क का रूप रहे हैं। चाचू आज आप ही ने बड़ी बड़ी तकरीर की थी। आप ही ना कहे वो औरत है, उसको आप ही ना कहे, आपकी शान के खिलाफ है ये बात। ये देखे उसको ना कहे वो इस लफ्ज के काबिल नहीं है, ये लफ्ज बड़े अदब का है, ये लफ्ज इसको बंद ही सजता। एक आम आदमी इस वक्त कैसे जिंदगी गुजार रहा है? एक आदमी आपने सुना होगा पीछे बिल लाए हैं, 4 आदमियों ने बिल को देखा खुदकशी कर ली, आपके नाम में है बिल देखा खुदकशी कर लिया। और जब मैंने अपना बिल देखा था, मैं हार्ट का मरीज हूँ, जब मैंने बिल देखा था तो आप अंदाजे कहते हैं कि मेरे दिल की तकलीफ मुझे बढ़ गई। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद। इन्होंने सिर्फ मुल्क का लूटा है, इन्होंने पाकिस्तान के नाम को बेवकूफ किया है, इन्होंने गरीब की हालत इस वक्त क्या है आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। मैंने बताया ये अब जो बिल आए हैं 200 से 1 यूनिट ऊपर है, 9000 बिल है, और 200 से नीचे है तो 3500 बिल है। ये पैसे इन्होंने कहाँ जाने हैं चाचू? कर्जा उतारने हैं। कर्जा उतारने का अपने महल बनाने हैं, पहले अपने औलाद के घर बनाए हैं नवाज शरीफ ने, अब वो अपने निवासी और निवासियों का घर बनाने आए हैं। ये अवाम के लिए नहीं आए, ये अपनी जात के लिए। चाचू दिल पे हाथ रख के सोचे क्या ये अवाम के लिए नहीं आए? ये अवाम के लिए नहीं आए, रब की कसम खा के कह रहा हूँ, ये अवाम का बेड़ा गर्क करने आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या आपके लिए परेशान नहीं है? मियाँ नवाज शरीफ अपने लिए नहीं, अपनी जायदाद के लिए परेशान है। वो लंदन के अंदर जो फ्लैट है उसके लिए परेशान है कि कहीं छीन ना जाए। अवाम का शोर आ गया है, अवाम अकलमंद है, अवाम जानती है। वो हदीस मैंने जो आप ये आपको बयान की थी, ये हदीस मियाँ साहब को बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस नकल की है, और आपने फरमाया है कि वो कौम कभी फुरा नहीं पाएगी जिसकी हुक्मरान औरत होगी। ये हदीस मियाँ साहब को बेनसीब और नुसरत भट्टो के दौर के अंदर बड़ी याद थी, हेलीकॉप्टरों से ऊपर से उन्होंने छुटवाई थी। आज ये हदीस इनको याद नहीं है। आज तो खुशी का दिन था, आप ही मरियम का इनकलाब था पंजाब में। आप ही मरियम ना कहें, ये आप ही का लफ्ज उसका बन नहीं सजता। आप मुझे सिर्फ ये बताएं आप इन्हें टाइम नहीं दे सकते 5 साल? ओए हमने इनको 70 साल दे दिए तो मेट्रो भी तो बनाई। मेट्रो का मैंने चाटने मुझे तो रोटी चाहिए। ये जो बजट आया ना अभी, जी जी आगे आज बजट के बाद हमें पता क्या लगता है? जी जी शर्त लगा ले, बेशक आइंदा जो हुकूमत बनेगी हम अपने ही घर का किराया देंगे। यकीन करे अल्लाह की कसम ये क्लियर नजर आ रहा है कि हम जहाँ भी अपने घर में भी देंगे अपने घर का किराया अदा, अपने घर का, अपने घर का किराया। जो सूरत हाल चल रही है, जो आपकी अपनी मलकियत है भाई जान, जो अपनी जाती मलकियत है ना, मीटर भी तुम्हारी जाती मलकियत है ना जिसका हम बिल देते हैं, फिर वापडा वाले लेस्को वाले मीटर क्यों उतार के ले जाते हैं मुझे बताएं? इसी तरह आप लोग शर्त लगा लें कि अपने घर का किराया भी देंगे, जिन लोगों के यहाँ पे अपने घर है ना, हर बंदा अपने घर का किराया। सर आप शुभाष शरीफ की काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं? काबिलियत पे
मुझे एक बात बताइए, गरीब पिसता चला जा रहा है, आप काबिलियत की बात कर रहे हैं, गरीब मरता चला जा रहा है, आप काबिलियत, उनकी काबिलियत गरीब के लिए क्या कर रही है? उनकी काबिलियत हमारे लिए क्या मायने रखती है? दाल 600 रुपए किलो हो गई है, 300 रुपए किलो होती थी, आप कह रहे हैं वो काबिल है। अगर वो काबिल है तो हम क्यों मर रहे हैं? अगर वो काबिल है, वो मुल्क चला रहा है, उनको तो चाहिए गरीब को रिलीफ दे, हमें रिलीफ दे, वो तो हमें पीस रहे हैं। वो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा हम गरीब मार देंगे, ये तो गरीब मारने निकले हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं वो काबिल है? वो काबिल तो हमें जो बर्दाश्त कर रहे हैं, काबिल तो हमें जो घर का 50,000 रुपया किराया, 70,000 रुपया बिल, इसके अलावा अखराजात लेते हैं। तो आप ये भी तो सोचे, हो सकता है सुभाष जी वजीर आजम हाउस में तकलीफ में बैठो कि मेरी आवाम को रिलीफ मिल जाए, मियां साहब जाती उमरा में तकलीफ में हो, जरदारी साहब उधर तकलीफ में बैठे हो, सदर हाउस में भाई जी वो बहुत तकलीफ में है। अल्लाह की कसम, कल मैंने पंजाब असेंबली का इजलास अटेंड किया, इतना जबरदस्त एसी लगा हुआ अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस्म के अंदर से भी पसीने खुशक हो गए हैं। आप कह रहे हैं वो तकलीफ में बैठे हुए हैं, अल्लाह करे उनको ये तकलीफें मिल जाए जो हमें मिली हुई है। मेरी ये अल्लाह पाक से दुआ है, जो तकलीफें हमें दी हुई ना उन्होंने दी हुई है, अल्लाह करे उनके एक बच्चों को आगे नसीब हो। आप ये बात ना करें कि वो काबिल है, अगर वो काबिल होते तो लोग उनको चोर ना कहते। यहाँ पे 25 लोग खड़े हैं तो 25 से पूछ ले, सारे कहेंगे वो चोर है, मैं अकेला पागल नहीं हूँ, कहेंगे मैं बेवतन है, मेरा तजर्बा है सर, कौन है मैं बेवतन, चोर कौन है तेरे, चोर चोर, ये बंदे मेरे साथ आए हुए हैं, ये मेरे रिश्तेदार है। आप किसी से पूछ ले, आप अपने दिल से पूछ ले, अपने जमीर से पूछ ले, उसकी भी आवाज सर मेरे सामने तो आप ही के काम है, ये छोड़ दे, ये ड्रामा। मैं एक बात बताऊं, ये जो बार बार आप ही के काम दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ कॉपी के लिए है, ये ऐसे कॉपी बंद होनी है और आप ही ने ठंडा हो जाना है। बात समझ आई, अमल करके दिखाए। लेकिन उसी टीम में पकड़ के उनका बेड़ा गर्क कर दिया, वो कश्ती में सुराख करने वाले है सारे। मुझे बताए कोई भी एक उनके साथ वफादार नहीं है, ये सारे उनके मुलाजम बन के बैठे हुए हैं, अंदर से सारे डरे हुए हैं। पाकिस्तान से प्यार करते, पंजाब की आवाम से प्यार करते हैं, करते हैं पाकिस्तान से, हमने कभी कहा किसी कभी मेरी गल सुनो, मरियम अजमा कारदार से उजमा बुखारी साहिबा और कहंदे ने मैं 1200 दा जोड़ा पानी आ, मरियम नवाशी साहिबा 800 दा जोड़ा पांदे ने, तुसी मैं 2000 दे जोड़े पा रहे ने, फिर तुसी चोर चोर कह रहे हो। भाई जी मैंने अभी आपको कसम खा के कहा, मैंने कल पंजाब असेंबली का इजलास अटेंड किया है, वहां पे उजमा बुखारी भी आई हुई थी, मैं यकीन करे 25,000 से कम जोड़ा नहीं था, ऊपर होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरा आजम मार्केट से ताल्लुक है, ठीक है, 25,000 से नीचे जोड़ा नहीं था। वो कौन सा 1300 रुपए का जोड़ा, 1300 का जोड़ा आजकल मुलाजम नहीं पहनते यार। आपके घर में अगर कोई मेड है आप उसको भी देंगे जो भी नखरे करेंगे, क्या दे रहे हैं भाई जान, चीज देनी चंगी दे, आप क्या बातें कर रहे हैं। हाँ जी, टीम ने दबोच दिया, ये जो जज्बाती नारे और जज्बाती बातें करके जो इलेक्शन में आके सिलेक्ट होने की आप लोग बातें करते हैं, जलसों के ऊपर जो आप लोग खर्चे करते हैं और झूठे वादे करके आते हैं, इसके बदले आप लोग ये नहीं कर सकते जो जलसों में खाने खिलाते हैं वो, भाई इस खाने खिलाने के पैसे कहाँ से आते हैं, उस जलसों पे जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आती है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास हर सहूलत मौजूद है, आवाम को झूठे नारे लगा के कह दिया जी ठीक है हम आपको ये देंगे वो देंगे, उसके बाद क्या होता है, हम कुछ नहीं दे सकते। भाई झूठ बोलना मुसलमान का काम है? अगर आप लोग सच्चे मुसलमान हैं तो ये गलत काम छोड़ दें। जलसों में इधर उधर जितने खर्चे करते हैं आप लोग, अपनी तमाम बैंक स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स ऑडिट पब्लिक के सामने रखें कि आपके कहां कहां बैंक अकाउंट खुले हैं। यानी सी ये जनाब ये है वो जराए, कितनी दफा रखन हो? नहीं, हर बार इन्हें रखने चाहिए, हर दफा हर 6 माह बाद इनके एहसास डिक्लेयर होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए इनके पास क्या है और इतनी फजूल खर्चियों का पैसा कहाँ से आता है। और अवाम एक सवाल है क्या जी, जी जी जी, अगर वड्या ने खरबा रुपया कमाया है, खरबों तो भी अगे हुए, तो फिर किस किस चीज़ का साहब ताकि खिदमत करन या खरबा रुपया का साहब दें? नहीं नहीं, साड़ी खिदमत भी करन और खरबा के रुपया आवाम से ला दें, क्योंकि इन्होंने देखो अल्लाह नू जान देनी मर देना, किन्ना कुछ चाहिए, जिन्ना चाहिए उन्ना ले लो, बाकी आवाम से ला दो, जिन्ना खाना सी खा लिया, खुदा दे वास्ते झूठे वादे बंद करो, आवाम मर गई है। 500,000 यूनिट के बाद मुझे याद आ गई है कि वो पैसे का हिसाब दे क्या दे अवाम, मुझे ये बताएं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से भड़के हैं ये लोग, बताएं मुझे नहीं। और वो हजरत उमर का जो तकरीर करने उठे, आम लोगों ने पूछा अमीर मोमिन प्यार से ये पहले ये साहब भैया कि ये कमीज सबको मिली, ये कमीज आपके पास कहाँ से, पहले इसका जवाब दें फिर हम आपकी बात सुनेंगे। आप कह रहे हैं कि ये पैसे का साहब है, और ये वो औरत, एक मिनट जी, वो औरत 8 साल का सूट पहनती है
और गाड़ी के टायर कितने करोड़ों में इसने उतारे हैं आपको पता है? चाचू मुल्क की सरकार ना खराब हो जाए, जेरी चाचे ने सरकार बनाई ने और सरकार ने गोला मारना जे ये खा मेनू 2000 पिछले महीने आया मेनू 10000 रुपया बिल आ गया इन्होंने प्यो ने जमा कराना किने कराना सिम पे नहीं लग रहा ये आपकी खिदमत के लिए हुआ है कहाँ पे है आवाम नु लॉलीपॉप खाना बंद कर दो खुदा दे वास्ते कुछ सोचो के आया कि पूरी दुनिया तरक्की कर गई तुसी लोग उत्थे दे उत्थे बारिशां दा पानी सिलाबां दा पानी आवाम रुड़ जांदी बलोचिस्तान रुड़ जांदा पाकिस्तान पंजाब चार सूबे देख लो ते चाइना चाइना देखो यूएई देखो जेड़ा मुल्क देखो बांग्लादेश देखो सब साडे तो तरक्की करके साडे हमसाया चाइना कहंदे नून लीग कहंदे ने सानू इक शुभाशरी दे दो नहीं चाइना दे दे असीं कहंदे चले जाओ उन्हां दा वी बेड़ा करो चार बाग दा तुहानू खा लै।